वेलकम बैक टू फिट बी शेप फैट टू फिट सीरीज डे 14 दोस्तों। तो आज हम कोई फैट लूज की टिप्स के बारे में बात नहीं करने वाले, आज हम एक मुद्दे पे बात करने वाले जो आजकल बहुत चल रहा है, ICMR गाइडलाइंस, जो कि बहुत चल रहा है कि फेक प्रोटीन आजकल मार्केट में बहुत आ रहे हैं और ICMR डाइटरी गाइडलाइन के हिसाब से प्रोटीन कंज्यूम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है। हाँ, हार्मफुल है। आप भी सोच के हैरान हो गए होंगे ना कि प्रोटीन हार्मफुल है। पहले तो हम सोचते थे जो बाहर की पैकेजिंग फूड वाले हैं वो सब हार्मफुल है, आजकल प्रोटीन भी हार्मफुल होने लगे। हाँ दोस्तों, ये ICMR डाइटरी गाइडलाइन के हिसाब से प्रोटीन आजकल हार्मफुल हो रहे हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा, अगर आपने ये चीज खबर सुनी है, न्यूज में सुनी है या फिर अपने रील्स वगैरह में देखिए जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर वो बता रहे कि आपको प्रोटीन कंज्यूम नहीं करना चाहिए, पर किस बेसिस पे ये नहीं बता रहे, सिर्फ ऊपर से आप हेडलाइन पढ़ लेते हो और आपको लगता है कि ये चीज हमें कंज्यूम नहीं करनी चाहिए, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। क्या आपको भी लगता है हार्मफुल है? तो दोस्तों वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रोटीन इनटेक करना हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है कि नहीं है, और ICMR जो डाइटरी गाइडलाइन उन्होंने निकाली है क्या वो बिल्कुल सटीक है कि नहीं है, उस चीज पे आज हम बात करने वाले हैं। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर ऐसी कोई आर्टिकल वगैरह आता है, कोई रिसर्च आती है, तो कृपया करके खुद पढ़े, ना कि टीवी पे देखे, क्योंकि आजकल न्यूज वाले बिके पड़े हैं, इन्फ्लुएंसर बिके पड़े हैं, उनको तो सिर्फ मसाला चाहिए, मसाला मसूला डाल के आपको परोस देते हैं और आप उसको सच समझ लेते। तो कृपया करके खुद पढ़े और जानकारी लीजिए, इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हर जगह मिलती है, पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन कभी अच्छी नहीं होती, तो कृपया करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले। और दोस्तों ICMR डाइटरी गाइडलाइन के हिसाब से हमें प्रोटीन पाउडर क्यों नहीं कंज्यूम करना चाहिए, उन सारे हम पॉइंट्स पे आज बात करेंगे, और ICMR ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, इन बेसिस पे हमें प्रोटीन कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इस पे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा और उसके बाद ही आपके ऊपर है कि आप प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करते हैं या नहीं करते, वो आपके ऊपर है, बाकी अपना भी ओपिनियन दीजिएगा कमेंट में। हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट, हमें प्रोटीन पाउडर क्यों नहीं कंज्यूम करना चाहिए ICMR डाइटरी गाइडलाइन के हिसाब से। ICMR डाइटरी गाइडलाइन के हिसाब से प्रोटीन पाउडर हमें इसलिए कंज्यूम नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें एडिड शुगर होता है, नॉन कैलोरिक स्वीटनर्स ऐड किए जाते हैं और एडिटिव्स मिलाए जाते हैं। बट दोस्तों एक बात आप सोचिए, अगर हम कोई फ्लेवर्ड, मतलब प्रोटीन में फ्लेवर वगैरह आता है ना, चॉकलेट, मैंगो, अगर आपको ये सब कंज्यूम करना है तो जो कंपनी है उसे मीठा करने के लिए क्या करेगी? ऐसा तो है नहीं आपके जो प्रोटीन पाउडर को खराब कर देगी एडिड शुगर मिला के, क्योंकि वो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, तो वो ऐसा तो करेगी नहीं, कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव ही तो मिलाएगी। सो प्लांट बेस्ड स्वीटनर भी मिला सकती है और आर्टिफिशियल स्वीटनर भी मिला सकती है। प्लांट बेस में आपका आ जाता है शतावरी और मॉन्ग फ्रूट, और आर्टिफिशियल स्वीटनर भी मिला सकती है अगर आप, क्योंकि वे को थोड़ा सा तो मीठा करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपको फ्लेवर चाहिए, कोई सा भी फ्लेवर चाहिए, तो थोड़ा सा आपको मीठा जो फील होता है वो इन्हीं आर्टिफिशियल स्वीटनेस के कारण होता है या फिर प्लांट बेस्ड स्वीटनेस के कारण होता है। तो दोस्तों जो मैंने बात की थी आर्टिफिशियल स्वीटनेस और ये प्लांट बेस्ड स्वीटनेस, ये जो नॉर्मल शुगर होते हैं उससे 200-300 गुना ज्यादा मीठे होते हैं, इसलिए उनकी जो क्वांटिटी प्रोटीन में डलती है वो बिल्कुल थोड़ी सी डलती है और आपको तभी थोड़ा सा मीठा फील होता है अगर आप प्रोटीन इंटेक करते हैं तो। आपको ये बात समझ में आ गई हो? तो दोस्तों जो ये आर्टिफिशियल स्वीटनेस होते हैं इसे FDA परमिटेड लेवल पर खुद ही अप्रूव करता है। तो आप इसका जो FDA का ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर प्रॉपर तरीके से आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। तभी कहता हूं पूरी इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी होता है, ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन कहीं से भी आप लेके उसको गलत ठहरा देते हो, ऐसा नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन लो तब उस पर बात करो। समझ में आया? अब चलते हैं दूसरे पॉइंट। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट यही है, जो ICMR डाइटरी गाइडलाइन के हिसाब से हमें वे प्रोटीन इसलिए कंज्यूम नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे डायबिटीज होने का खतरा है। तो दोस्तों मैं आपको चैलेंज करता हूं, ऐसी कौन सी रिसर्च है जो ये बताती है कि डायरेक्ट जो डायबिटीज है वो डायरेक्ट वे प्रोटीन से होता है? ऐसी मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपको कहीं पे मिल जाए तो बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ICMR डाइटरी गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप प्रॉपरली, मैंने जो डिस्क्रिप्शन में पेज डाले आप उसको ढंग से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा जिनको डायबिटीज है वो वेस्टर्न फूड को ज्यादा कंज्यूम करते थे, जैसे फ्राइड फूड हो गया, एडिड टेबल शुगर हो गया, इन सब चीजों को ज्यादा कंज्यूम करने के कारण उनको डायबिटीज हुई है, ना कि डायरेक्ट वे प्रोटीन से। और ICMR डाइटरी गाइडलाइन के हिसाब से ये सारी चीजें आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, और फालतू में डायरेक्ट
प्रोटीन को जिम्मेदार ना ठहराए कि उसे कंज्यूम करने से हमें डायबिटीज हो रही है, तो कृपया करके ऐसा ना करें। तो दोस्तों अब चलते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, जिसमें ICMR डाइटली गाइडलाइन के हिसाब से वे प्रोटीन कंज्यूम करने से हमारे किडनी, लीवर और बोन हेल्थ खराब होती है। क्या आपको लगता है ऐसा होता होगा? तो दोस्तों अभी लेटेस्ट रिसर्च में आप भी देख सकते हो, ये स्क्रीन में आप पढ़ सकते हो कि अगर आप वे प्रोटीन कंज्यूम करते हो तो आपकी हेल्थ अच्छी होती है, बोन हेल्थ अच्छी होती है, आपके लीवर किडनी अच्छे से फंक्शन करते हैं। और यही चीज ICMR डाइटली गाइडलाइन के हिसाब से आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा रहता है कि बोन हेल्थ खराब होती है, लीवर और किडनी पे इफेक्टेड आता है। इसका एक बेसिक सा रूल है कि अगर आप पहले से इन सब चीज मतलब इन प्रॉब्लम से फेस कर रहे हो तब आप वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, पर अगर आप ये सब एक हेल्दी पर्सन हो और आपको इनमें से कोई बीमारी नहीं है, मतलब लीवर किडनी और बोन हेल्थ से कोई मतलब बोन पेन वगैरह से कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, तो आप इसे इजीली कंज्यूम कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके मतलब लाइफस्टाइल को अच्छा करने में, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं देगा अगर आप एक हेल्दी पर्सन हो तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों फोर्थ पॉइंट यही है कि ICMR डाइटली गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप एक एथलीट है और आपका प्रोटीन इनटेक पूरा करना है आपको, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वे प्रोटीन लेना ही है। आपका प्राइमरी सोर्स तो आपका घर का खाना ही होना चाहिए जो आप कंज्यूम करते हैं। सेकेंडरी सोर्स आप ले सकते हैं वे प्रोटीन, जब आपका प्रोटीन इंटेक प्रॉपर वे में पूरा नहीं हो रहा तो आप वे प्रोटीन ले सकते हैं, पर यहाँ पे ICMR की डाइटली गाइडलाइन के हिसाब से आपको प्रोटीन कंज्यूम नहीं करना चाहिए, वो उनके ऊपर है। मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ आपको, ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आप एथलीट है तो मैं आपको यही कहूँगा आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड आपका घर का खाना ही होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ दिक्कतें होती है वेजिटेरियन वीगन को, अपना प्रोटीन सोर्स पूरा नहीं कर पाते, तो मैं आपको यही कहूँगा अगर आप राइस वगैरह खाते हैं, दूध वगैरह पीते हैं, वेजिटेरियन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिक्कत होती है जैसे कि वो नॉनवेज वगैरह नहीं खा पाते, तो वो अपना मिल्क पनीर या सोयाबीन से भी अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं। और यहीं पे वीगन आ जाते हैं ना, वीगन के लिए सबसे अच्छा सोर्स है प्रोटीन का दाल चावल। दाल चावल बहुत ही अच्छा सोर्स है, उसमें आपको मोस्टली अमाइनो एसिड प्रोवाइड हो जाते हैं और आपका प्रोटीन इंटेक भी पूरा हो जाता है अगर आप वीगन है तो। वरना आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी जो मैं कह रहा हूँ। आपका क्या ओपिनियन रहेगा कृपया कमेंट करके बताइएगा कि आपका ओपिनियन क्या है। मैंने अपना ओपिनियन दे दिया, एक बार मैं आपको और बताऊंगा ये चीज़ कि अगर आपको कोई भी आर्टिकल वगैरह आए, किसी भी तरह की रिसर्च आए, प्लीज़ उसे खुद पढ़े समझे तब कोई डिसीजन ले। और बाकी आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं। अगर उनको भी ICMR डाइटली गाइडलाइन के हिसाब से उनको डर लगने लग गया कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको भी ये चीज़ें समझ में आएंगी और पता चलेगा वे प्रोटीन अच्छा है कि बुरा है। और बाकी ऐसी वीडियो के लिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे जरूर फॉलो करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय।